हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं मयंक आ गया हूँ आपके साथ नए ब्लॉग में, और क्षमा चाहता हूँ इस बार हमारे साथ ना तो अतुल है ना तो गौरव है, मैं अकेला हूँ इस टाइम। और काफ़ी समय के बाद मैं अपने गांव आ गया हूँ, हालांकि रास्ते की जो चीज़ें थी वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और आज दशहरा है तो सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आपको मैं दिखाता हूँ अपने गाँव में कुछ अच्छी चीज़ें जो शायद आप लोग ना देख पा रहे हों शहर के अपनी व्यस्त लाइफ में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देखिए गाय माता है, ये गाय का बछड़ा है जो कि आराम कर रहा है, हालांकि पेट भर गया है। मैं आपको नादा भी दिखा देता हूँ, नादे में बिल्कुल भी चारा नहीं है, थोड़ा बहुत चारा लगा हुआ है, ये हमको देख रही है, शायद मारना चाह रही हो। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, गौर करिएगा कि गाय माता जो है जिनके कानों पर एक लेबल लगा हुआ है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आप लोग कि जितनी भी गायें हैं इनका गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक अमाउंट पे मतलब फिक्स कर रखा है कि हर गाय का पर मंथ के हिसाब से वो 300 रुपये हर गाय का, वो जो भी जिसके पास भी गाय है उसको वो देते हैं। तो मतलब अगर गाय को आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो गवर्नमेंट उसका भी मतलब उसका भी उन्होंने वो व्यवस्था कर रखी है। साथ में आप देखिए, ये एक सरकारी नल है जो कि हमारे ही घर का है, ये सरकारी नल। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हालाँकि आप लोगों ने वहाँ शहर में मुझे नहीं पता आपने देखा ही होगा, लेकिन ये चलता भी है, आप देखिएगा, आपने लगा हुआ देखा होगा लेकिन पानी निकलता हुआ नल आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। ये रखा हुआ है, एक ये बाल्टी, एक ये लोटा जो कि परमानेंट यहाँ रखा रहता है, अगर कोई आता है, कोई अनजान आदमी भी अगर प्यासा है तो पानी पी सकता है। साथ में आपको जगह जगह पर इस तरह के डंडे मिल जाएंगे, अगर आपको बछड़ा या गाय दौड़ा ले तो उसको आप मार सकते हैं। साथ में ये सीमेंट की बोरी जो कि यहाँ पड़ी है। साथ में और आगे बढ़ते हैं, ये रोडें हैं, हालांकि रोड थोड़ी सही नहीं है, वो गांव के लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। साथ में ये घर आप देख लीजिए, कितने अच्छे से और कितने साधारण तरीके से घर बना हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गाय है हमारे सामने, ये ब्लैक गाय, देखिए कैसे चल रही है, गम्मस्तानी चाल, पेट भरा हुआ है। साथ में ये उसका बच्चा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कुछ समय के बाद। नमस्कार दोस्तों, दोबारा मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ अपनी ब्लॉग में। देखिए हमें ये एक और बछड़ा दिखा है जो कि बिल्कुल देसी बछड़ा है, जिसको खाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, हालांकि उसने खा लिया, वो मेरी तरफ देख रहा है, कुछ खाना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। देखिए देखिए प्यार देखिए खाली, आप कहीं से कुछ नहीं है, आपने प्यार से हाथ लगाया उसको, क्या जानवर को सिर्फ प्यार चाहिए, बेजुबान है हालाँकि, लेकिन वो भी प्यार के खाली भूखे हैं। आप उन्हें प्यार देते रहिए, वो आपके साथ हमेशा वफादार रहेंगे, हालांकि इंसान वफ़ादार नहीं है अपने साथ, लेकिन जो जानवर है वो आपके साथ हमेशा, अगर आप उसे प्यार देंगे तो वो हमेशा आपके साथ वफ़ादार रहेगा। तो आप प्यार करिए जानवरों से, और बेजुबान जानवरों से बिल्कुल आप प्यार करिए, बस मेरा इतना ही बोलना है आप लोगों से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा आप लोगों के साथ आ गया हूँ, फिर से जुड़ चुका हूँ। जी आप देख रहे हैं एक ये, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और सरकार का जो काम है, ये देखिए शौचालय जो उन्होंने खुद का बनवाया हुआ है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अपने उसे बनवाने के लिए, देखिए। और जिस बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, तो बाबा जी का एक और ये अच्छा काम है जो कि थोड़ा ज़्यादा सराहनीय है। और एक क्यारी है जो कि हर घर के बाहर है, जहाँ पे आप नॉर्मली देखेंगे तो फिर लहसुन वगैरह जो नॉर्मली रूटीन के लिए, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, वो सारी चीज़ें बो दी जाती हैं ताकि आपको बाज़ार में बार बार जाना ना पड़े। और एक मैं पेड़ आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे बाबा जी का लगाया हुआ है, ये पेड़ काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना है, सिंगल पेड़ है ये आपका, ये कटहल का पेड़ है, जहाँ पे करीबन आपका 100 से 150 पीस कटहल हर सीजनेबल लगते हैं, हर सीजन में लगते हैं, 150 से 200 पीस लगते हैं हर सीजन। तो दोस्तों अगर आपको कटहल खाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कटहल खाना है, तो बिल्कुल आपको ये प्रबंध किया जाएगा। साथ में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट, ये देखिए आप लाइटें जल रही हैं, ऊपर आपका ये लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये देखिए हिंदुत्व का एक झंडा जो कि पटाखा बोलते हैं गांव में, ये लगा हुआ है कि पक्षी आके बैठ गया उसी झंडे पे, देखिए कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों, एक पक्षी उड़ रहा है, दूसरा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बस एक प्रकृति की खूबसूरती है ये देखिए आप, देखिए ये आप कभी नहीं देख पाएंगे लखनऊ में, लखनऊ में क्या आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा, और मतलब
आप गांव जरूर जाइएगा। मेरा जो कहना है, मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का, कि आप लोग गांव अवश्य जाइए, और जो भी आपके घर के छोटे बच्चे हैं उनको आप ये वीडियो जरूर से ज़रूर दिखाइएगा कि गांव में भी इतनी खूबसूरती है, बिना बिना पंखे के भी आप ऐसे घूम सकते हो, बिना गाड़ी के, बिना कार के, या बिना फास्ट फूड के भी आप जीवन को अच्छे खासे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो और उसका आनंद उठा सकते हो। ये केले का पेड़ लगा हुआ है, केले का नींबू का साथ में पेड़ लगा हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा वेट थोड़ा सा वो करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, दोबारा मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ, और देखिए रात अब हो चुकी है, घनघोर रात, लेकिन किसान जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो मेहनत करता जा रहा है, खेत को देखिए जोतता जा रहा है, और ट्रैक्टर की रोशनी से वो खेत जोत रहा है, क्योंकि खेतों में लाइट नहीं होती इतनी आपको जानकारी तो होगी। साथ में मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो किसान है वो सिर्फ काम कर रहा है, चाहे दिन हो या रात हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, लेकिन जो नकली किसान बनकर जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। और अब आप ही लोग फैसला करिए, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा किसान असली है, कौन सा किसान नकली है। और आप देखिए बस इस मेहनत को देखिए आप, ना तो ट्रैक्टर में कोई भी गाना बज रहा है, किसान अकेला मेहनत कर रहा है, सिर्फ मेहनत, ना उससे कोई बात करने वाला है, ना तो कुछ, सिर्फ वो खेतों को जोतता जा रहा है, जोतता जा रहा है, और जोतता ही जाएगा। तो दोबारा स्वागत है आप लोगों का दोस्तों, सॉरी क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें थोड़ी मतलब ऐसी थी जो दिखाने लायक नहीं रही। स्वागत है आप लोगों का दोबारा है दोस्तों हमारे साथ में, और मैं गया था रामलीला का, मैंने आनंद उठा लिया है, आनंद उठाने के बाद मैं वापस घर के लिए आ गया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चंदा मामा, साथ में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, साथ में कुछ घरों में लाइटें हैं। और फिर मिलते हैं, अब सोने का टाइम हो गया है, कल सुबह मिलते हैं और आप लोगों को कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दोबारा हमारे ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है और हरे भरे पेड़ जो हैं वो फिर से तैयार हो गए हैं आप लोगों को अपने दर्शन देने के लिए। ये देख रहे होंगे आप खूबसूरती, आप देखिए सिर्फ विशाल का ये पेड़ है, पूरा घना हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आदमी आराम से खाली एक रोटी, नमक और प्याज लेके बाग में लेट के पूरा दिन खा सकता है, आराम से रह सकता है, आपको पकौड़े की, चाय की, समोसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह घने जंगलों पेड़ों के बाद में, सर ये देखिए जी आपका कितना बड़ा पेड़ है, कितना विशाल पेड़ है, ये बांस का पेड़ होता है। जब गांव में कोई झोपड़ी या नॉर्मली अगर कोई घर बनता है तो उसमें ये बांस काम में आता है, और भी चीज़ों में, जैसे रावड़ वगैरह बनने में भी जो आपका बनते हैं सिटियों में, वो भी बांस से ही बनते हैं नॉर्मली, तो ये बांस काफ़ी उपयोग में आता है। और आपको बता दें, इस बांस के, ये जो बांस है ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, इसके बीच में अनेकों सांप भी रहते हैं जो कई बार गाँव वालों को देखने में पाए गए हैं। साथ में ये खेत है जिसमें कल रात में वो किसान काम कर रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने पूरे खेत को सपाट कर दिया है। इसमें आप कोई भी चीज़ें बो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे अब धान, यहाँ पे आपको अब भुट्टे की वो बुआई होगी जिसे मसूरी बोलते हैं गांव में। साथ में आप ये देख लीजिए, गाय खड़ी है, गाय अपना भोजन कर रही है, उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और हमारे किसान भाई गाय का भोजन का प्रबंध करके उनको दे गए हैं, वो आराम से खा रहे हैं। ये देखिए, इनको चाय नहीं चाहिए, इनको बंद मक्खन नहीं चाहिए, इनको रत्ती लाल का खस्ता नहीं चाहिए, ना तो इनको लाटू फ्रोड का खस्ता चाहिए, ये खा रही हैं मजे से। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का दोबारा हमारे ब्लॉग में। देखिए आज हमारे गांव के रामलीला का आज आखिरी दिन है, ये रावण बन चुका है, हालांकि अभी इसमें पटाखे उटाखे नहीं रखे गए हैं, और कुछ समय के बाद इसमें पटाखे रखे जाएंगे और इसे जलाया जाएगा। साथ में देखिए गाय चल रही है, साथ में ये हम लोग का है, हम लोग की ये दुकानें हैं जो कि बाग में
अभी नया बना है, ये अभी भी मिट्टी गिरवाई गई है ताकि किसी जो को नहर जो है उसको पार सका जाए। साथ में आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। पहली बात तो दोस्त, सूरज की किरण आ रही काफ़ी तेज, ये बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, देखो कहाँ तक दौड़ता हुआ जाएगा। अब आप देखिए, आपकी जहाँ तक नज़र पड़ेगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली और हरे हरे खेत दिखाई देंगे। अब बताइए आप लोग दोस्तों, दिल पे हाथ रखे कि आप यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगेगा अगर आप यहाँ पे पूरी लाइफ रहें। ये देखिए आप, खूबसूरती खाली आप देखिए। इन तरह की चीज़ें अगर आप लोगों को मिल जाएंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और भी चीज़ की ज़रूरत होगी। मुझे तो हालांकि नहीं होगी। देखिए, एक कोई किसान है जो कि खेत के बीचों बीच से आता हुआ, हालांकि अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये देखिए कितनी दूर से आ रहा है, मगर आप खूबसूरती सिर्फ देखिए। आप खेत एकदम तैयार हैं, फसल एकदम तैयार है। दोस्तों, आज रामलीला में पहले से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। करीबन 2 से 2500 लोग हैं जो कि दूर दूर गांव से आए हुए हैं देखने के लिए, जिस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। साथ में आप ये देखिए, बकरी जो कि चर रही है, घास खा रही है, पत्ती खा रही है, अपना पेट भर रही है, और अपना पेट भरने के बाद ये घर चली जाएगी। घर चली नहीं जाएगी, उसे कोई लेने आएगा। ये देखिए देखिए किस तरह से बकरी देख रही है। दोस्तों, हम लोग हाँ गाँव का मेला ख़त्म करके घर के लिए आ रहे हैं। हालांकि मेला ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा रफ होने की वजह से हम लोग वापस आ गए हैं गांव में। अरे गांव में नहीं, घर में। तो ये खेत का रास्ता है, देख रहे होंगे चारों तरफ हरियाली हरियाली, साथ ही ये खेत जो कर हमारे किसान भाई जोत रहे थे, तो हमारे साथ जुड़े रहें।